साउथ अफ्रीका 50 ओवर्स के बाद 362 रन्स 7 विकेट पर। क्विंटन डिकॉक ने एक अच्छी बैटिंग की, 31 बॉल्स में 52 रन की पारी खेली है। भुवनेश्वर कुमार ने आर हैंड्रिक्स को खाता खोलने का मौका नहीं दिया, गोल्डन डक पे पवेलियन भेजा। फाफ डुप्लेसी 51 बॉल्स पे 61 रन बनाकर आउट हुए। आरविंडरसन 37 पर 57 रन बनाए हैं, एक अच्छी बैटिंग आरविंडरसन की। चेस मट्स हार्दिक पांड्या का शिकार हुए, खाता नहीं खोल सके, 5 बॉल खेलकर पवेलियन गए। डेविड मिलर नाबाद 101 रन की पारी, 85 बॉल्स पर दबाव के बीच एक अच्छी पारी, जहां पर 4 बैट्समैन ने 50 प्लस स्कोर किया और चारों ही हार्दिक पांड्या का शिकार हुए। डेविड मिलर ने 101 रन बनाए, रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट्स लिए। भुवनेश्वर कुमार ने आज के इस मैच में 1 विकेट लिया और रन नहीं दिए। इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन रोहित शर्मा स्ट्राइक में बी हैंड्रिक्स की ये बॉल और भेजा है बाउंड्री के बाहर। पहली बॉल वो लैंड करवाया दर्शकों के बीच, एक शानदार पारी का आगाज रोहित शर्मा के द्वारा। पहली बॉल और ये कड़क शॉट मिड विकेट के ऊपर से मैक्सिमम के लिए, और ये 97 मीटर लॉन्ग सिक्स है। एक बार फिर बी हैंड्रिक्स, सही कनेक्शन नहीं, पीछे फील्डर हैं, लेकिन स्ट्राइक रोटेट की, अब स्ट्राइक में है शेखर धवन। बी हैंड्रिक्स की ये बॉल कट किया, रिस्क भरा रन, लेकिन पूरा किया दोनों ही बैट्समैन ने, बहुत ही तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स पुश करने की कोशिश, लेकिन बीट हुए रोहित शर्मा। 363 रन के टारगेट को चेस करना एक बड़ा टारगेट है इंडिया के सामने। एक अच्छी बैटिंग करनी होगी इंडियन टीम को, खासतौर पर एक अच्छी पार्टनरशिप करनी होगी। 1 ओवर 8 रन, शेखर धवन स्ट्राइक में, कमाल का स्विफ्ट शॉट, ऑफ साइड से बॉल को घुमाया लेग साइड में और स्ट्राइक रोटेट की। रोहित शर्मा है स्ट्राइक में, पहली बॉल में 6 लगाया था, बीट हुए एल सिम्फाला की इस बॉल पर। रोहित शर्मा रिक्वायर्ड रन रेट 7.27 का, करंट रन रेट 6 का चलता हुआ। फिर से बीट हुए रोहित शर्मा, एक अच्छी बॉलिंग, लेकिन इस बार टाइम किया कवर्स के ऊपर से कड़क शॉट, कमाल का शॉट रोहित शर्मा का। दोबारा देखेंगे इस शॉट को, बेहतरीन तरीके से टाइम किया था, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई बॉल, उसे भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। 348 रन की जरूरत 289 बॉल्स पर, कट लगाया, मिले एक नहीं दूसरे के लिए गए हैं और पूरा भी किया। 2 ओवर 17 रन, बी हैंड्रिक्स दूसरा ओवर लेकर ऑफ साइड में टाइम करने का प्रयास, लेकिन बीट हुए शिखर धवन। एक बार फिर पुश करने की कोशिश, 2 डॉट बॉल्स, अच्छा ओवर बी हैंड्रिक्स का, सही कनेक्शन नहीं, किस्मत वाले रहे, फील्डर मौजूद नहीं थे। अब मिलेंगे 4 रन, गैप में शॉट खेला था, सही कनेक्शन भी नहीं हुआ था, लेकिन 4 रन मिले शिखर धवन को। दोबारा देखेंगे इस शॉट को, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन सफल नहीं हुए शिखर धवन, फील्डर मौजूद नहीं, इस बात का फायदा उठाया, मिले 4 रन। एक बार फिर बी हैंड्रिक्स, शेखर धवन के लिए बॉल, बीट हुए शेखर धवन, पूरी तरह से बीट हुए, बॉल को समझ नहीं पाए, बॉल कट लगाने की कोशिश, लेकिन बीट हुए। लास्ट बॉल इस ओवर की, स्विफ्ट शॉट खेलने का प्रयास, सफलता नहीं मिली। 3 ओवर 21 रन विदाउट एनी लॉस ऑफ विकेट्स, एल सिम्फाला अपना दूसरा ओवर लेकर पुश करने की कोशिश, एक बार फिर कनेक्शन नहीं, 2 डॉट बॉल्स एल सिम्फाला की। रोहित शर्मा
बॉल बैट पे आ नहीं रही, तीन डॉट बॉल्स, एक अच्छी बॉलिंग एल्स इम्फाला की, रोहित शर्मा को पूरी तरह से परेशान करते हुए चार डॉट बॉल्स। ये फिफ्थ नंबर की बॉल और इसे भी पीट हुए रोहित शर्मा। लास्ट बॉल इस ओवर की, ये मैड एन ओवर, कमाल की बॉलिंग एल्स इम्फाला की, चार ओवर 21 रन्स, करंट रन रेट 6.26 का। बी हैंड्रिक्स के शॉट को कमाल का टाइम किया डाउन द ग्राउंड, ये कड़क शॉट से खत्म, उनके बल्ले से निकलता हुआ। दोबारा से देखेंगे इस शॉट को, कमाल का शॉट था, विकेट्स के ठीक सामने पटकी हुई बॉल, लेकिन उसे खूबसूरत तरीके से खेला सीधे बल्ले से, लॉफ्टेड शॉट पूरे 6 रनों के लिए। शेखर धवन एक अच्छी बैटिंग करते हुए सुपर शॉट खेलने की कोशिश, सही कनेक्शन नहीं, पीछे फील्डर हैं, रोहित शर्मा आ चुके हैं स्ट्राइक पे। पिछले ओवर मैडन रहा था, पूरे ओवर बीट हुए थे, इस बार फिर बीट हुए। रोहित शर्मा बॉल बैट में सही से आ नहीं रही, पर स्ट्रगल करते हुए आज पिच में रोहित शर्मा 16 रन्स पे, अभी भी नॉट आउट। तीन डॉट बॉल्स इस ओवर की, तीन बॉल डॉट कर चुके हैं। स्पर लॉफ्टेड शॉट, कवर्स के नहीं, मिड विकेट के ऊपर से मैक्सिमम, 5 ओवर 34 रन, 30 बॉल्स में 34 रन की पार्टनरशिप, 21 रोहित शर्मा और 13 रन्स बनाए शिखर धवन ने। एल्स इम्फाला तीसरा ओवर लेकर, इनका पिछला ओवर मैडन रहा था, स्विप शॉट खेलने की कोशिश, एक बार फिर एल्स इम्फाला पीट हुए शिखर धवन, शरीर में लगी बॉल, 268 बॉल्स में 323 रनों की जरूरत, और एक और डाउन द ग्राउंड शॉट आता हुआ शिखर धवन के बल्ले से, एक और सिक्स। कवर में खेलने का कोशिश, बीट हुए शिखर, लॉफ्टेड शॉट मिड विकेट के ऊपर से, नीचे फील्डर मौजूद नहीं, किस्मत वाले रहे तो पवेलियन जाना पड़ सकता था शिखर धवन को। सिंफाला बॉल ऊपर हवा में, कई बाउंड्री लाइन के बाहर, ये हवाई फायर शिखर धवन के बल्ले से निकलता हुआ, इसी के साथ 29 रन पर पहुंच चुके हैं शिखर धवन। रोहित शर्मा 21 रन, अभी स्ट्राइक में बी हैंड्रिक्स, चौथा ओवर लेकर पीट हुए रोहित शर्मा। ये अगली बॉल कट लगाया, बॉल विकेट कीपर को परेशान करती हुई गई बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रनों के लिए। ऑफ साइड में पुश करने की कोशिश, लेकिन बॉल बैट का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के ऊपर से गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन की तरफ। दोबारा देखेंगे इस शॉट को, ये देखिए कैसे बाहरी किनारा लेकर बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ गई, रिक्वायर्ड रन रेट 7 का चलता हुआ, बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन बीट हुए रोहित। डी हेंड्रिक्स एक बार फिर रोहित के लिए, सही कनेक्शन नहीं, पीछे फील्डर हैं, मिलेंगे सिर्फ 1 रन, 2 की कॉल है और पूरा भी किया। रोहित शर्मा 27 रन पर पहुंच गए, इसी के साथ 50 रन की पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुकी है, एक अच्छी पार्टनरशिप। ओवर 7 ओवर 56 रन्स, रिक्वायर्ड रन रेट 7.14, करंट रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट से कहीं ज़्यादा चलता हुआ, मिड विकेट के ऊपर से मैक्सिमम नहीं आया है, सही कनेक्शन नहीं, बाउंड्री के थोड़ा आगे गिरी बॉल, ऑफ साइड में लगातार खेलने की कोशिश, लेकिन बीट हो रहे हैं शिखर धवन।